भाई रिव्यू करेंगे दमन मूवी की। दमन एक ऐसी मूवी है जिसकी मैं रिव्यू करना नहीं चाहूँगा बल्कि डिस्कशन करना चाहूँगा। एक ऐसी मुद्दा है मूवी के अंदर, मुझे तो भावुक ही बना दिया यार, और आपको भी बना डालेगा। दमन एक ओडिया मूवी है, हॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी है जो पिछले कई सालों से हॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ रीमेक बनाता आ रहा था और अपनी इंडस्ट्री का नाम डुबा रहा था। लेकिन हॉलीवुड सुपरस्टार बाबूसान मोहंती दमन जैसी कंसेप्ट ले करके एकदम से सबका दिल लूट लिया, सबको भावुक बना दिया और इस मामले में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बाबूसान मोहंती एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे सिंगर भी हैं जो कई सारे गाने गाए हैं। और दमन मूवी की जो मेन सॉन्ग है ना, जो इमोशनल सॉन्ग है, कॉन्सेप्ट वाला सॉन्ग है, वो खुद गाए हैं, जो इतना इमोशनल लगता है, इतना दिल को सुकून देता है ना मेरे भाई, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। दमन मूवी की कॉन्सेप्ट जो है ना, एक्चुअली वो मलेरिया के ऊपर है, गांव की समस्याओं के ऊपर है, जो अंधविश्वास से घिरे हुए लोगों की परेशानी है उसके ऊपर है। लेकिन इस कंसेप्ट को जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया है ना मेरे भाई, वो काबिले तारीफ है। मूवी शुरू होती है एक डॉक्टर से और वो डॉक्टर दूसरों की जान बचाने के साथ साथ उनकी इंसानियत को भी बचाता है। चाहे वो कोई टेररिस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई उच्च कद वाला ऑफिसर हो, सबकी इंसानियत को भी बचाता है, जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, दिलचस्प लगता है, कनेक्टेड लगता है। दमन मूवी एक इमोशनल ट्रूथ, ऑनेस्टी, सुपरस्टेशन और एजुकेशनल टाइप का एक ट्रू इवेंट से बेस्ड मूवी है, जो काफ़ी मज़ा आता है और अभी लोग कांतारा मूवी के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, ये कांतारा मूवी हो गया, दमन मूवी हो गया, ये सारी मूवी ना एक बात को अच्छी तरह से प्रूव करती है कि कंटेंट ही हमेशा किंग होता है मेरे भाई, कंटेंट ही हमेशा किंग होता है। चाहे वो मूवी किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना आए, चाहे उस मूवी में कोई भी एक्टर क्यों ना हो, ये कंटेंट अगर सही है तो मूवी बूस्ट करेगी ही करेगी। और दमन मूवी में आप जानते हो कोई ग्लैमरस नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है उसमें, कोई ऐसा वैसा वाला सीन नहीं है जो मूवी को मतलब मास मसाला टाइप का कुछ बनाए। सिर्फ कंटेंट है, एक ऐसा कंटेंट है जो लोग हमेशा जुड़ते हैं उसमें, ठीक है, जो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। कुछ ऐसा वैसा सीन नहीं है उसमें, हीरोइन ही नहीं है मेरे कहने का मतलब, ठीक है, हीरोइन ही नहीं है मूवी में, फिर भी मूवी इतना मस्त लग रहा है आप सोचो ही मत, क्योंकि मूवी की कंटेंट अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी है। तो मेरे भाई, मैं अगर सच बताऊँ ना, तो अगर इस तरह की कंटेंट के साथ हॉलीवुड इंडस्ट्री मूवी बनाने लगी तो आगे उभर के अपना नाम कमाना तय है मेरे भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मिस मत करना यार ऐसी मूवी को, दमन मूवी को बिल्कुल मिस मत करना अगर आप एक कंटेंट लवर हो तो।